वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा ये यूट्यूब चैनल पे। तो तुम्हारा भाई ने फिर से एक नया एडिट मतलब रेल पटरी रेलवे स्टेशन पे मैंने फ़ोटो क्लिक कर समय गया था। तो तुम्हारा भाई के पास अच्छा कैमरा नहीं है, ऐसा किट लेंस है, तो उसी से फ़ोटो जो खुशी से क्लिक करता हूँ वही एडिट करता हूँ। बहुत बढ़िया एडिट नहीं कर पाता हूँ, ऐसा ही कुछ करता हूँ जैसे कि थंबनेल में देखा हुआ। ठीक है, कुछ कुछ इस तरह का तुम्हारा भाई ने एडिट लेके आ चुका है आप सभी के सामने। तो आप भी कुछ इस तरह का कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, अपना एंड्रॉयड फ़ोन से भी फ़ोटो क्लिक करके कर सकते हो। ये नहीं कि हमारा पास कैमरा, वो भी हमारा नहीं है भाई, हमारा फ्रेंड का है। ठीक है, वो किट लेंस है, वो सामने के सामने से ही फ़ोटो उठता है। दूर से फ़ोटो आता तो कैमरा पे अच्छा लगता, पर हमारा वो वाला ही फ़ोटो मतलब कैमरा है। ठीक है, तो उस पर ही क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, उस पर क्लिक करके थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। तो कोशिश करूँगा थोड़ा अच्छा कैमरा के लिए, तो थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा खुद को ताकि अच्छा कैमरा और अच्छा फ़ोन भी यूज कर सकूँ। अच्छा फ़ोन भी तो यूज नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, तो उसी कैमरे से मैंने क्लिक किया था। ठीक है, कैनन कैमरा है उसका। ठीक है, कैनन 255 ऐसा कुछ है, शायद भूल चुका हूँ। तो ऐसा ही कुछ कैमरा है, तो उस वाले कैमरा पे मैंने फ़ोटो की क्लिक किया था। ठीक है, तो अभी उस पर क्लिक किया था तो देखा जैसा फ़ोटो क्वालिटी एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको दिखाऊंगा फिर से आपको मतलब थोड़ा HD क्वालिटी का एडिट करके। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले उस तरह का आपको फ़ोटो, अगर आप भी इस तरह का कुछ एडिट करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, पहले इस तरह का आपको फ़ोटो शूट कर लेना है। मैं जिधर हमारा फ़ोटो है उधर चले जाना है व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेशन पे। तो जैसे कि पिकसेट एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो इधर शेयर कर लेंगे। हमारा फ़ोटो प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लेगा, तो हो जाएगा, अभी आ जाएगा। देखो तो उसके बाद आपको करना क्या है, इधर देखो स्टिकर जो है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैंने क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, सर्च कर लेना है। जैसे कि हमारा सर्च है ऑलरेडी, तो आपको भी कर लेना है फिर भी। तो आपको करना क्या है, ट्रेन। ठीक है, ओनली ट्रेन लिखोगे तो आपका सामने आ जाएगा और सर्च कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हो बहुत सारे इधर आ चुका है। वो आपका फ़ोटो हिसाब से आप जो वाला चूज़ कर सकते हो, उससे कोई मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए। तो मेरे को ये वाला अच्छा, मतलब हमारा बैकग्राउंड पे ये वाला शूट करेगा, तो ये वाला मैंने चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इधर आ चुका है, अब अपना हिसाब से थोड़ा इधर बड़ा कर लेना है। ठीक है, तो मैंने कैसा भी करके अभी कर दे रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो हमारा भी और आपका भी, तो इससे फटाफट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फिर इधर जाना है, तो पहले आपको इसको कलर कर लेंगे, तो मैंने सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सेव कर लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, बैक आ जाना है, और उसके बाद आपको करना है कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको तो लाइट रूम में आना ही पड़ेगा। और आप भी अगर लाइट रूम मतलब एडिट करते हो तो लाइट रूम ज़रूर यूज करते होंगे, अगर नहीं है तो ये एप्लीकेशन हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए वो वाला ओपन कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके तो ओपन कर लेंगे। ठीक है, लाइटरूम एप्लीकेशन पे तो मैंने क्लिक कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन। उसके बाद बैक आ जाना है आपको, फिर से आपके पास जिधर लाइटरूम एप्लीकेशन रहेगा उधर आ जाना है। जैसे कि देख रहे हो हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन पे हमारा फ़ोटो आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि हमारा देखो इधर प्रीसेट, बहुत सारे प्रीसेट है। अगर प्रीसेट भी आप सबको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, हमारे पास प्रीसेट है और एप्स का भी लिंक जरूर दे दूँगा प्रीसेट एप्स का। ठीक है, और अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं दूंगा लिंक। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब मैंने क्या करूँगा, अभी इस वाले प्रीसेट को यूज कर लूँगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको करना क्या है, जैसे कि इधर 3 डॉट पे क्लिक कर लेंगे, देख सकते हो इधर 3 डॉट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कॉपी सेटिंग दिखाई दे रहा है ना, इधर कॉपी सेटिंग इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक करके इधर जो टिक चिन्ह आ चुका है उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, आने के बाद आपका नॉर्मली फ़ोटो पे आना है जो अभी उधर एल्बम से लाया गैलरी से। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है,
उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि देख सकते हो पेस्ट सेटिंग लिखा है इधर, देखो इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि देख सकते हो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा फेस थोड़ा मतलब रेड 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 लग रहा है, तो हमको करना क्या है, कलर पे आना है। जैसे कि देखो इधर कलर है, ठीक है, तो कलर पे आ जाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, इधर मिक्स मिक्स टूल जो है इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारा फेस इधर से ही अच्छा हो सके, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर लेना है सेकेंड वाले पे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। जैसे कि देखो इधर करोगे तो येलो रेड ऐसा आ जाएगा, इधर करेंगे तो देखो वाइट हो रहा है ना, देखो कैसा कैसा हो रहा है, वाइट हो रहा है ना, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, डन कर लेना है उधर इधर, और कुछ भी कम नहीं। ऐसा कुछ वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो, और हाँ बहुत बहुत सारे भाइयों को मतलब लाइट रूम एप्लीकेशन है, बट ऐसा ये जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, मास्किंग हेलिंग ये सब ओपन नहीं है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, सर्च कर लेना है लाइट रूम APK आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं डाउनलोड हुआ तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इस पर मास्किंग के पे क्लिक करके उधर प्लस चिन्ह पे क्लिक करके, उसके बाद आपको करना क्या है, रेडियल ग्रेडेंट को क्लिक कर लेना है, ठीक है इस पर। तो मैंने क्लिक कर लेंगे, क्लिक करके आपको फेस के सीधा मतलब फेस में आपको कुछ इस तरह का करके, उसके बाद आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। मैंने क्लिक कर लेंगे, जैसे देख रहा हूँ हमारा फेस ओनली दिखाई दे रहा है और बाकी सब रेड रेड हो चुका है, तो अभी सब हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, लाइट देख रहे हो ना, मतलब इधर लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, मतलब टूल्स पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सप्लोजर पहले पे जो है एक्सप्लोजर, उसको थोड़ा माइनस कर देना है ये वाला, ठीक है। इसको क्या करना है, थोड़ा माइनस कर देना है, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं दिखने में ख़राब लगेगा, पूरा भी नहीं वाइट हो जाएगा, थोड़ा कर देना है ऐसा कि, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, डन कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि सेव वाले आइकॉन पे क्लिक करके, उसके बाद आपको करना क्या है, पिक्सट एप्लीकेशन पे फिर से जाना है, शेयर कर लेना है पिक्सट एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो मैंने पिक्सट एप्लीकेशन पे शेयर कर लेंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी आ जाएगा देखो। उसके बाद आपको करना क्या है, पिक्सट एप्लीकेशन पे इधर स्टिकर पे फिर से आपको सर्च मतलब फिर से इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, इधर सर्च कर लेना है रोज़, जैसे कि मैंने सर्च कर लेंगे ROSE रोज़ सर्च कर लेंगे, देखो बहुत सारे आ गए हैं। मैंने को ये वाला ले लेना है, उसके बाद थोड़ा ओपेसिटी कम कर लेना है, उसके बाद आपको इस तरह का कुछ रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इरेजर में क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऐसा कुछ अपना फिंगर का वजह से थोड़ा ऐसा उसको मतलब रियलिटी देखना चाहिए ना थोड़ा, तो इसके लिए आपको ऐसा फिंगर निकालना पड़ेगा, मतलब इसको रेजर करके ऐसा कर देना है जैसे कि रियलिटी लगे, ठीक है। ऊपर रहेगा तो रियलिटी नहीं लगेगा भाई, पूरा एडिट पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि हमारा देखो हो चुका है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैंने जल्दी में ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो आपको करना क्या, धीरे से करना है और अच्छा करना है। तो मैंने आपको जल्दी में थोड़ा गलत भी हो रहा है, मतलब बड़ा फुल का साइज़ और थोड़ा मतलब रोज़ का साइज़ और थोड़ा स्वेटर छोटा कर लूँ तो अच्छा होता, तो मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। और भाई को थोड़ा हिंदी आता भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी लैंग्वेज मतलब सही थोड़ा बोल रहा हूँ या गलत मेरे को मालूम नहीं, मतलब हमको तो लगता है थोड़ा थोड़ा तो सही बोल ही रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी जल्दी में इसे थोड़ा रोज़ का साइज़ थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो उसका कुछ भी करना है, इधर ठीक एरो पे मार देना है, उसके बाद फिर से स्टिकर पे मारना है, ठीक है। उसके बाद आपको सरफेस से सर्च कर लेना है EYE सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो तो बहुत सारे आ चुके हैं, मतलब ये आप दे भी सकते हो, नहीं भी मैं ये वाला चूज़ कर लेंगे, उसका ओपेसिटी थोड़ा माइनस कर लेंगे, उसका थोड़ा फोटो को जूम करके इसको ऐसा कुछ इधर बैठा लेना है। जैसे कि देख सकते हो हमारा एडिट हो चुका है, ठीक है। तो
चलिए चलते हैं, आज के लिए बाय। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो पे अच्छा से बोलने के लिए और अच्छा से एडिट आप सभी को, मतलब आप भी कर सकते हो अच्छा से ऐसा कुछ बोलूँ और अच्छा एडिट लाऊँ इसके नेक्स्ट टाइम भी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई को थोड़ा मतलब हिंदी में दिक्कत हो रही है, आपको भी मतलब समझने में हो तो शायद दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा प्यार दो। कोशिश करूँगा बहुत अच्छा से हिंदी बोलने के लिए, ठीक है। तो पहली पहली बार है ना, थोड़ा दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बाय।